पढ़ लेंगे बड़ी खबर का, जहां बीजेपी दफ्तर में अब से थोड़ी ही देर में अहम बैठक शुरू होने वाली है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय आलाकमान और हरियाणा के बीजेपी नेता भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। हरियाणा की बाकी बची 35 सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कल बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी की तरफ से बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा की बाकी बची 35 सीटों पर इस बैठक में मंथन होगा। कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। बीजेपी दफ्तर में थोड़ी ही देर में अहम बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर बता दें कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी की अहम बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के इस बैठक में चिंतन मंथन किया जाएगा। बता दें कि बाकी बची 35 सीटों पर चिंतन मंथन इस बैठक में किया जाएगा। केंद्रीय आलाकमान के साथ साथ हरियाणा के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लाइव जुड़े हुए हैं। ललित, कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में बीजेपी की अहम बैठक भी शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि अब जल्दी आज देर रात या कल सुबह तक बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ सकती है, क्योंकि इस बैठक में बचे हुए 35 सीटों पर अब चिंतन मंथन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि शाम को जो है अभी थोड़ी देर अब से कुछ देर बाद बीजेपी हरियाणा के नेताओं की जो है केंद्रीय आलाकमान के साथ मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात में जो है हरियाणा की जो बाकी सीटें बची हैं, 35 सीटें जो बची हैं, उन सीटों पर जो है चर्चा होने वाली है। तो ये एक अभी तक का डेवलपमेंट है। और इस बैठक में जो है हरियाणा के सभी बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सहायक मोहन सिंह बड़ोली, इसके अतिरिक्त सुरेंद्र सिंह नागर, विप्लव देव सहित सभी बड़े जो नेता हैं वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है अमित शाह और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। और जो बाकी सीटें बच गई थी, तकरीबन 35 सीटें ऐसी बच गई थी जिन पर भी चर्चा होनी थी, उन 35 सीटों पर यहाँ पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से बची हुई 35 सीटों को लेकर के चिंतन मंथन हो रहा है, निश्चित तौर पर अब जल्द ही उम्मीदवारों की का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, निश्चित तौर पर मंझे हुए खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हैट्रिक लगाई जा सके। हालांकि इस बार चुनौतीपूर्ण मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने को यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार कांग्रेस भी टक्कर देने को मिल रही तैयार है, और वो दावा भी कर रही है कि वो इस बार एक बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीतने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपने टिकटों पर मंथन को खत्म करना चाहती है। आखिरी दौर में वो लगभग पहुंच चुका है, और अब से जब थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में फिर ये मान लिया जाएगा कि उसके बाद तकरीबन टिकटों पर चर्चा खत्म हो गई है। अब जो है कैंपेन की रणनीति और दूसरी सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो अब इंतजार बस इसी बात का करना चाहिए कि थोड़ी देर में कब ये मीटिंग शुरू होती है, और उसके बाद आज रात को कब तक ये मीटिंग चलती है, मीटिंग के बाद क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।